कई बार हम जब लगातार ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे होते हैं और हर कदम पे हमें असफलता मिल रही होती है तो हमारा मन जो है बहुत विचलित हो जाता है और मन के अंदर काफ़ी नकारात्मक सोच आने लगती है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और अगर कुछ करते हैं उत्सुकता में तो वहाँ भी हम असफल हो जाते हैं। तो ऐसी कहानी अगर किन्हीं भाई की है तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा फार्म है और इसी फार्म से हमने विगत 2.5 साल पहले YouTube के माध्यम से वीडियो बनाना शुरू किया था, खास करके मत्स्य पालन के ऊपर, और उसमें भी खास करके बायोफ्लॉग के ऊपर काफ़ी वीडियो हमने बनाई थी। और उसके बाद फिर निरंतर जो है वो हम आगे बढ़ते गए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि बहुत कुछ ज़िंदगी में मिल गया है, लेकिन बहुत असफलताओं के बाद आज अंदर से फीलिंग आती है कि जीवन में अब सफल है। बहुत सारे ऐसे किसान मित्र जो हैं वो एक आशा भरी निगाह से देखते हैं और कहीं उनको आगे प्रमोट करने में, उनको आगे बढ़ाने में हमारी मात्र गिलहरी सी भूमिका होती है। तो आज कम्प्लीट वीडियो इस फार्म का मैं बनाने वाला हूँ और साथ में मैं बताऊँगा कि क्या क्या अचीवमेंट विगत 2 वर्षों में हुए। लगभग 1.5 साल हो गए इस फार्म का वीडियो बनाए हुए। तो बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र थे जो कमेंट करते थे कि आपका बायोफ्लॉग प्रोजेक्ट बंद हो गया क्या, मछली पालन आपने करना छोड़ दिया क्या, तो उनके अंदर भी इस तरह का सवाल आना लाजमी था। तो आज हम उन सभी भाइयों को जो सच्चाई है वो दिखाने वाला हूँ और साथ ही बताने वाला हूँ कि बिहार सरकार की तरफ से आज मुझे कितना सहयोग मिला है और कौन कौन से प्रोजेक्ट मिले हैं, वो तमाम तरह की जानकारी अभी आगे वीडियो में मिलेगी। अगर ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आप सभी के लिए होने वाली है, जो भी हमारे भाई ऐसे हैं जो कुछ करना चाह रहे हैं और उनके अंदर भी नकारात्मक सोच बहुत ज़्यादा है और अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उन सभी भाइयों के लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आइए दोस्तों, आज वीडियो शुरू करते हैं। और आज आपसे मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारे के ऊपर है और क्या डेवलपमेंट है उसी पर आज की ये वीडियो रहने वाली। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहीं से शुरू करते हैं। ये जो आप सामने कार्ट देख रहे हैं ये बिहार सरकार की तरफ से ही मिला है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के द्वारा ये मिला है और इसमें NFDB हैदराबाद, प्रधानमंत्री संपदा योजना और बिहार सरकार के तत्वाधान में ये कार्ट दिया गया है। इस पे जनरली जो है ये खास करके जो किसान ऐसे हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए सरकार सोच रही है और उसके लिए ये दिया गया है। ये गाड़ी बन के बिल्कुल रेडी है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसको जो ये सामने आप देख रहे हैं ये एम्स है, तो इसी के पास अभी इस कार्ट को लगाने वाला हूँ मैं। और वहीं पर ये जो आप मेनू देख रहे हैं ये सब आपको वहाँ पर मिलेंगे। हमारे ऐसे भाई जो हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वहाँ आएँगे तो उनको कुछ इसमें डिस्काउंट दिया जाएगा। अभी शुरू करते हैं। इधर से ये जो आप मेरा देख रहे हैं ये अनार, ये 1.5 वर्ष पहले रोपा था, अभी काफ़ी अच्छा ये फल दे रहा है। ये एक पहले आप जो वीडियो देखे होंगे उसमें इस कमरे को नहीं देखे होंगे, ये दूसरा प्रोजेक्ट है मेरा जो कि काट वाला मिला है। ये योजना 10 लाख रुपए की थी बिहार सरकार की। और ये जो आप कमरा देख रहे हैं और इधर जो आप टैंक वगैरह देख रहे होंगे, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत रंगीन मछली का जो है वो ब्रीडिंग एंड हैचरी सेटअप है ये, और उसी के लिए ये सब बनाया गया है। और उसका और ये मेरा जो है नया ऑफिस है। ये इस योजना के बारे में मैं बता दूं कि बिहार के अंदर 3 लोगों को ये दिया गया था और ये बड़े आकार का योजना है। और ये इस योजना की लागत जो है वो 25 लाख रुपए है। 25 लाख रुपए है इसलिए बिहार सरकार के अंदर इस योजना का एक लाभ तो ये भी है कि इस योजना से एक लाभ बिहार के किसानों को ये होने वाला है कि बहुत सारी जो है रंगीन मछली का जो है, अगर हम बात करें पटना के अंदर जो मछुआ टोली है, तो उसमें तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए सप्ताह के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर यहाँ से बंगाल चला जाता है। सिर्फ 1 सप्ताह का मैं बता रहा हूँ, और सिर्फ ये रंगीन मछली का है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो है टोटल जो पूरी डिपेंडेंसी थी वो बंगाल के ऊपर थी। इसी को देखते हुए ये इस तरह की योजना को लाया गया और बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को लाया गया। तो इसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 25 लाख रुपए है और उस योजना को और ये योजना भी हमें मिली है। और ये सब जो आप सीमेंटेड टैंक देख रहे हैं उधर राउंड टैंक है, वो सब जो है उसके अंदर ही बनाया गया। और ये जो है रंगीन मछली यानी जो ऑर्नामेंटल फिश कहते हैं उसका ये ब्रीडिंग एंड हैचरी सेटअप है। ये मेरा ऑफिस है और ये इधर जो आप देख रहे हैं ये सब पेड़ है। अभी और मैं अभी आपको 1 बाय 1 करके दिखाने वाला हूँ। तो
आइए दोस्तों अभी वन बाय वन करके अंदर भी अभी मैं दिखाऊंगा, और उधर जो ब्लू वाला है उसमें भी अभी मैं लेके आपको चलूंगा, और उसमें सारे एक्वेरियम बना के रखे हुए हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका उसमें जो है उनको डाल के, और वहाँ से हमको मार्केटिंग करना है। तो अभी एक एक चीज़ करके मैं दिखाऊँगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं बता दूँ कि ये जो है सूरज है, सूरज हाय कर दो सामने से लोगों को। तो ये इस बच्चे को आप देखते होंगे, मेरा पहला वीडियो है उसमें भी इसको आप देखे होंगे, और ये जो है इस फार्म पे कंटिन्यू ये देख रेख ये करता है, और एक और लड़का है वो दोनों मिल के जो है इस फार्म को चलाते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे और इधर से पहले उधर दिखाऊंगा फिर इस तरफ चलेंगे। कैमरा हिल रहा होगा दोस्तों तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, आवाज़ की भी प्रॉब्लम होगी तो उसको भी आप मैनेज कीजिएगा, चूँकि माइक वगैरह यहाँ रखता नहीं हूँ मैं। और बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट कंटिन्यू कर रहे थे, कह रहे थे कि आपके फार्म का क्या अपडेट है, और टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज सोचा कि आज इसी मोबाइल से कर लूं। ये सब देख रहे हैं मेरा अनार का पेड़ है, इधर फूल वगैरह है। ये हमारे मिस्त्री जी हैं जो यहाँ का थोड़ा बहुत अगर रिपेयरिंग का काम होता है तो उसको ये करते रहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं अंदर में, ये मेरा एक्वेरियम है, ये आप देख रहे हैं पूरा, ये इसमें एक्वेरियम लगा के रखा गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसमें भी अभी जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, ऑर्नामेंटल फिश के बच्चे हैं वो इसमें हैं। इस योजना के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 25 लाख रुपए की योजना थी, और इस योजना को बिहार सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और NFDB हैदराबाद के द्वारा ये योजना को आवंटित किया गया है। अब ये मेरा पुराना वाला जो कमरा था वो है, अभी आपको अंदर लेके चलूँगा, जो बायोफ्लॉक सेटअप है और जो ऑर्नामेंटल वाला है उसमें अभी आपको करके दिखाऊँगा मैं। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये मेरा बायोफ्लॉक सेटअप है, आगे में मेरे 6 टैंक लगे हुए हैं और पीछे जो है ऑर्नामेंटल वाला ये लगा हुआ है। इसमें जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसमें अभी मैंने सीड स्टॉकिंग का काम किया है। जैसा कि आपको पता है सावन में जो है यहाँ मार्केट डाउन रहता है, तो और जो 3 टैंक थे उसमें मैं उसको हार्वेस्ट कर दिया हूँ, चूँकि वो जो है फिशेज वो रेडी थे तो उसको मैंने कर दिया, क्योंकि बायोफ्लॉक में है बहुत कुछ आपको सोचना होता है। अगर आप इस ज़्यादा दिनों तक रखते हैं तो आपको खिलाना पड़ेगा, फीडिंग कॉस्ट हाई आएगा, तो बहुत कुछ ये सोचना पड़ता है। तो 3 टैंक की जो है वो हार्वेस्टिंग हो गई है। इधर आप जो देख रहे हैं ये सब सीड स्टॉकिंग का काम ये हो रहा है। अगर बात करें लाइव स्टॉक में और जैसे पोल्ट्री हो गया, गोटरी हो गया, तो उन सब के बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन ख़ास करके अगर हम फिशरीज की बात करें तो ये एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है, बशर्ते इसकी तकनीकी जानकारी आपके पास है। अगर आपका इसमें एक अच्छा अनुभव है तो आप इसको एक आजीविका का माध्यम बना सकते हैं, और एक अच्छा इससे मछली पालन से एक अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें कि जैसे पटना का जो हमारा कार्यालय है मत्स्य विभाग का, तो यहाँ जितने भी हमारे अधिकारी हैं सब बहुत ही कोऑपरेट करते हैं। करें सपोर्ट की, तो पूरा सपोर्ट जो होता है ऑफिस की तरफ से मिलता है। हमारे जो DFO पटना है मनीष बाबू, वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। अभी आप अगर उनसे मिलने जाएंगे कार्यालय में तो बहुत कम मिलेंगे, हमेशा फील्ड में रहते हैं, और कभी मोकामा चले गए, बख्तियारपुर चले गए, नवदपुर चले गए, ऐसे करके वो घूमते रहते हैं। और जो किसान, जो प्रगतिशील किसान हैं, इनोवेटिव फार्मर हैं, उनके यहाँ जाते हैं और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, और उसको अगर सही लगा तो वो लागू भी करवाते हैं। साथ ही और भी जो ऑफिस में लोग हैं वो भी काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं, और हमको जो जिन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया इस फील्ड में वो हमारे द्विवेदी साहब हैं। अगर बात करें फिशरीज का F से लेके S तक जो है वो सब उनके अनुकंपा पे ही, उनके मार्गदर्शन में ही मिला है, और काफ़ी वो सपोर्ट करते हैं। शुरुआती दौर में जब इसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलता था तो वो बताते थे कि ऐसे काम करो वैसे काम करो। अगर बात करें तो उंगली पकड़ के उन्होंने मछली पालन में हमें चलना सिखाया, और ऐसे करके ये आज ये जो आप देख रहे हैं तो ये सब उन्हीं लोगों की कृपा से, उन्हीं लोगों के सपोर्ट से आज ये सब संभव हो पाया है। हमारे वैसे भाई जो हैं अगर वो चाहेंगे तो हम एक एक करके जो योजनाएं हैं और कैसे मछली पालन किया जा सकता है, मछली पालन को कैसे लाभ का व्यवसाय बनाया जा सकता है, अगर इस तरह का अगर आप अपडेट चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आप सभी को बताऊंगा। क्योंकि बहुत कम लोग जो हैं इस फील्ड में इंटरेस्टेड रहते हैं, भी हमारे वैसे भाई हैं जो इंटरेस्टेड हैं, और इसमें कैसे क्या प्रधानमंत्री संपदा योजना में कौन कौन से योजनाएं हैं, कैसे
ये सब योजनाएं मिलती हैं राज्य सरकार की तरफ से, कौन कौन योजनाएं चलाई जाती हैं, तो अगर आप चाहेंगे तो हम समय आने पे देंगे। साथ ही अभी वीडियो तो आने वाले समय में अगर आप चाहेंगे तो हम विस्तार से मैं बताऊँगा। तो ऐसे करके ये काम होता है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ दोस्तों कि अभी आगे चलते हैं, बायोफ्लॉक में हमारे बाद बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ को बायोफ्लॉक को शुरू किए थे, लेकिन बहुत सारे जो है वो फार्म आज बंद हो गए बायोफ्लॉक के। उसका एक कारण ये भी है कि इसमें बहुत कुछ आपको सोचना पड़ता है, बहुत सारा जो है दिमाग लगाना होता है, और उतना जनरली मछली पालन में लोग सोचते नहीं हैं। और फीडिंग कॉस्ट इसमें बहुत आपको कंट्रोल करना होता है, अगर फीडिंग कॉस्ट पे ध्यान नहीं देंगे तो इसमें नुकसान उठाना पड़ता है। और यही कारण है कि आज बायोफ्लॉक को लोग जो है बायोफ्लॉक बिजनेस कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सामने ये ऑर्नामेंटल वाला है हमारा, इसमें जो है वो ब्रूडर तैयार हो रहा है और इसी से जो है इस ब्रीडिंग करवाएंगे हम और बच्चे इसी से आएंगे, जैसा कि इधर भी आप देख रहे हैं। तो ऐसे करके जो है ये सब टैंक बने हुए हैं, और इधर भी जो है राउंड वाला टैंक है, इसमें भी जो है ब्रीडिंग का काम होगा। तो ये जो आप देखे वो हमारे फार्म का अपडेट था, क्या कुछ इतने दिनों में हमने किया है वो सब अभी आपके सामने मैं रखा हूँ। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो कॉल करते रहते हैं कि भैया मैं भी मत्स्य पालन करना चाहता हूँ, कैसे सब्सिडी मिलेगी, कैसे लोन मिलेगा, तमाम तरह की जानकारी। दिन भर में कम से कम 40 से 50 कॉल आते ही रहते हैं, तो उन सभी भाइयों के लिए भी मैं बता देना चाहता हूँ, दोस्त सबसे पहले आप कभी भी कोई काम लाइव स्टॉक का शुरू करें तो उसमें कभी आप जो है सीधे लोन और सब्सिडी के ऊपर नहीं जाएं। जितना भी आपके पास है, जितनी कम पूंजी है उतने में ही पहले खुद बिजनेस को आप करना चाहते हैं, अपने पास जो पैसा है स्वलगत से आप करिए, और जब आप कर लेते हैं तो जो आपके कंसर्न्ड अथॉरिटी हैं, जो वैसे अधिकारी हैं, वो मुआयना करते हैं, निरीक्षण करते हैं, और देखने के बाद उनको लगता है कि हाँ वास्तव में ये आदमी करने वाला है, और तब जाके आपको आगे अगर आपका काम अच्छा होता है तो आपको सब्सिडी वगैरह जो आपके शासन के द्वारा चलाया जाता है वो सब्सिडी भी मिलेगी। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं पहले सब्सिडी लूँ और उसके बाद काम करूँ, तो आज हर कोई बहुत होशियार हो गया है, बहुत चालाक है। ऐसे करके आसानी से तो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए अगर आप काम करना चाहते हैं और सरकार से भी सहायता लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा आपसे आग्रह रहेगा कि आपके पास जितने पैसे हैं उसी से आप अपना स्वलागत से लाइव स्टॉक का काम शुरू करें। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो आज अगर हम लाइव स्टॉक की बात करें तो मछली पालन के साथ मुर्गी पालन, बकरी पालन लोग बहुत सारे लोग करते हैं और उसमें जो है असफल हो जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वो उनको अपने काम पे फोकस ना होकर सीधे लोन और सब्सिडी पे वे लोग सोचते हैं, और जिसके कारण अगर एक समय अवधि के अंदर उनको नहीं मिलता है तो उनके मन में नकारात्मक भाव पैदा होने लगता है और वो अपने फार्म को बंद कर देते हैं। तो इसलिए लाइव स्टॉक का काम जो है आप करें तो अपने बलबूते करें। और साथ ही एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि लाइव स्टॉक का काम जितना आसान लगता है दोस्तों उतना आसान है नहीं, इसमें बहुत कुछ समस्याएं आती हैं, आपको आने के बाद आपको झेलना भी पड़ेगा, लेकिन पेशेंस आपके अंदर है तो आप एक समय के बाद आप इसमें सफल हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं अभी बीच में जो 2019-20 का समय रहा तो उसमें देश के अंदर जो स्थिति है आप सभी को पता है, और उसके बाद जो है एक रोज़गार की कमी जो है देश के अंदर हो गई, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो हैं वो सोचते हैं कि लाइवलीहुड चलाने के लिए कहीं कुछ पैसे हैं तो इन्वेस्ट कर देते हैं और बिना उसकी जानकारी लिए हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बकरी पालन करते हैं और फेल हो जाते हैं, तो उन सभी लोगों से मेरी आग्रह रहेगी कि जब भी आप लाइव स्टॉक का काम करें, चाहे पोल्ट्री हो, चाहे गोटरी हो, चाहे फिशरीज का आप काम कर रहे हो, तो एक कंप्लीट जानकारी कहीं से भी ले लीजिए। आज सरकार के माध्यम से बहुत जो है खर्च किए जा रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, समय समय पर सरकार के माध्यम से जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है, तो उन सब का आप फ़ायदा लीजिए जो कि निःशुल्क होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ऐसे करके अपने बिजनेस को शुरू करते हैं, लाइव स्टॉक के बिजनेस को शुरू करते हैं, तो उसमें आप सफल हो सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी, और साथ ही आशा है बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो हमारे फार्म को देखना चाह रहे थे तो उन सबको भी तसल्ली हो गया होगा कि फार्म मेरा चल रहा है। और मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा कुछ दिनों पे मैं अपडेट देते रहूं। बहुत सारे ऐसे हमारे जो शुरुआती दौर में जो हमसे भाई जुड़े थे मत्स्य पालन से, उनके वो क्वेश्चन नहीं करते हैं लेकिन उनके अंदर भी ऐसा लगता होगा कि फार्म का क्या अपडेट है, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि समय समय पर अपने फार्म का अपडेट देता रहूंगा। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।